जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कुंदन और आप देख रहे हैं प्यारे चैनल बिहार वाला आरवी सिंह। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं इल्डरली पेशेंट में ड्रग कौन कौन सा यूज होता है। नॉर्मली अगर पेशेंट जो बूढ़ा हो जाता है, जो भी मतलब आदमी होता है, जो भी मनुष्य होते हैं जो अपने मतलब बूढ़े वाले एज में चले जाते हैं, तो उसमें हम लोग कौन कौन सा ड्रग यूज कर सकते हैं, तो आइए हम लोग जानते हैं इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले जो पेशेंट जो होता है बूढ़ा हो जाता है, जो पेशेंट ना उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, जैसे मतलब घुटने में दर्द हुआ, हड्डी कमजोर हो जाना, विटामिन की कमी होना, भूख न लगना, मतलब खाना अच्छा से न पचना, बहुत सारा बीमारियां आता है, मतलब अच्छा से दिखता नहीं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज हो जाता है, ओबेसिटी, मोटापा वगैरह, हर चीज बहुत सारा बीमारी होता है। तो उसमें हम लोग इल्डरली पेशेंट में कौन कौन सा ड्रग यूज कर सकते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले कैल्शियम देंगे पेशेंट को, जो इल्डरली पेशेंट होता है उसको हम लोग हड्डी मजबूत करने के लिए कैल्शियम देते हैं लोग। ठीक है, विटामिन डी भी देते हैं। ठीक है, विटामिन डी भी देते हैं। ठीक है, विटामिन डी हड्डी मजबूत करने के लिए और कैल्शियम देते हैं, ये दो तो देते हैं, मल्टी विटामिन भी देते हैं। ये तो नॉर्मली चलाना चाहिए बूढ़े वाले पेशेंट में। ठीक है, इल्डरली पेशेंट। ठीक है, और पेन क्लियर के लिए हम लोग क्या देते हैं, पेन क्लियर के लिए नॉर्मल पेन क्लियर दे सकते हैं आप लोग, डाइक्लोफेनिक वगैरह या सिक्लोफेनिक वगैरह, पैरासीटामोल। और एक सीवियर अगर पेन हो रहा है, सीवियर पेन हो रहा है, ठीक है ना, सीवियर पेन हो रहा है, तो हाइड्रोकोडोन करके टेबलेट आता है, तो उसको हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, सीवियर पेन। सिम्बास्टेटिन, मारे जो देखिए जो बुढ़ापे पेशेंट होते हैं उसमें फैट्स बहुत ज्यादा, मतलब ऐसी जो मतलब ओबेज वाला पेशेंट होते हैं, मोटा वाला पेशेंट होते हैं, उसमें फैट बहुत सारा बनता है, जैसे एलडीएल, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, अगर मतलब वेरी लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, ये सर कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जा रहा है, तो उसमें हम लोग क्या देते हैं, सिम्बास्टेटिन देते हैं। और लीवो थायरोक्सिन, देखिए जो बूढ़े पेशेंट होते हैं उसमें मतलब थायरोक्सिन T3 और T4 का लेवल घट जाता है। ठीक है, तो थायरोक्सिन हो जाता है, मतलब थायरॉइड हो जाता है, हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाता है, थायरॉइड का लेवल घट, थायरोक्सिन का लेवल अगर घट जा रहा है बॉडी में, तो हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो हाइपोथायरॉइडिज्म में हम लोग लीवो थायरोक्सिन टेबलेट देते हैं। ठीक है, इल्डरली पेशेंट में। और ओमेप्राजोल देते हैं, जो पेप्टिक अल्सर वगैरह हुआ, गैस वगैरह बहुत सारा बनता है। ठीक है, उसमें मेटफॉर्मिन, अगर डायबिटीज हो जाता है तो मेटफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन बहुत सारा टेबलेट आता है, और ओबेसिटी के लिए। ठीक है, और एंटीबायोटिक देते हैं हम लोग, क्या कौन एंटीबायोटिक देते हैं, एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक देते हैं, और क्या देते हैं, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड। देखिए डायूरेटिक्स, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है हमारे बॉडी में, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है हमारे बॉडी में, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर हम लोग को ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करना होता है तो ब्लड वॉल्यूम कम करना होता है, जिससे हम लोग यूरिन को ज्यादा से ज्यादा पास आउट करना होता है। ठीक है, तो यूरिन को ज्यादा से ज्यादा पास आउट करने के लिए हम लोग देते हैं डाययूरेटिक्स देते हैं लोग, जैसे हाइड्रोक्लोरोथायजाइड्स में फ्रेजामाइड वगैरह बहुत सारा देते हैं। ठीक है, तो ये देते हैं, और बीपी के लिए क्या देते हैं, इम्लोडिपिन और एट्रेनोलोन देते हैं। तो ये रहा आपको बहुत सारा मतलब, और सारा बहुत सारा ड्रग है वो हम नहीं बता सकते अपने, तो ड्रग यूज इन एल्डरली पेशेंट में इतना ड्रग आज हम बताएं, अगले वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।